सेकेंड का क्लास टू का चैप्टर नंबर वन। चैप्टर का नाम है द वन इंच वॉरियर, इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नेम द वन इंच वॉरियर। एक बहुत अच्छी स्टोरी है आप लोग जो पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ मैन एंड वूमन, एक व्यक्ति और एक उनकी वाइफ औरत रहते थे। दे वॉन्टेड टू हैव अ चाइल्ड, सो दे प्रेड टू गॉड। दे वॉन्टेड टू हैव अ चाइल्ड, वे एक बच्चा चाहते थे, सो इसलिए दे प्रेड टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना करते थे। प्रे करते थे, क्या प्रे करते थे? डियर लॉर्ड, कि हमारे प्रिय भगवान, प्लीज़ ब्लेस अस विथ अ चाइल्ड, कृपया मुझे एक बच्चा दें। एंड श्योर इनफ गॉड ग्रांटेड दियर विश, अ बेबी बॉय वॉज बॉर्न बट ही वॉज वेरी टाइनी। एंड श्योर इनफ, और वह लोग निश्चित थे कि गॉड ग्रांटेड दियर विश, कि भगवान उनकी जो इच्छा है, जो उनकी विश है, उसे मंजूर ज़रूर करेंगे, मतलब उन्हें बच्चा ज़रूर होगा। अ बेबी बॉय वॉज बॉर्न, और एक बच्चा पैदा हुआ। बट ही वॉज वेरी टाइनी, लेकिन वह बहुत पतला था, छोटा था। He is just size of your thumb, वह इतना छोटा था जैसे कि हम लोगों का अंगूठा, जैसे कि अंगूठा, इतना पतला, इतना छोटा सा। Yes, let us name him Isan Boshi, it means one inch boy, इसका नाम Isan Boshi रखा गया और यह one inch boy था। ठीक, ये इतना छोटा था साइज में, इसलिए इसका नाम one inch boy रखा गया। वैसे नाम इसका ईशान बोशी था, लेकिन इसे वन इंच बॉय इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी साइज़ बहुत छोटी थी और यह थंब के बराबर था। स्लोली द बॉय ग्रो अप, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। वन डे, एक दिन, ही सेड, उसने कहा, डियर फादर एंड मदर, अपने मम्मी और पापा से, आई विश टू गो टू द सिटी एंड वर्क, मैं शहर जाना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ। His father made him a little sword out of a sewing needle. His father made him a little sword out of a sewing needle. उसके पिता ने made him बनाई a little sword, एक तलवार जैसे आकार का, a sewing needle, लकड़ी का हम लोग बोल सकते हैं sewing needle, और उसमें सुई जैसे, जैसे आप लोग ये बुक में देख रहे हैं, ये बना हुआ है, वो पकड़ने के लिए, जहाँ उसको पकड़ेगा वहाँ उसके पकड़ने के लिए बना हुआ है, और आगे उसमें निडिल लगी हुई जैसे सुई जैसा, कि मतलब अगर उसको कोई परेशान करे तो वह बहुत छोटा था तो उससे वह बच सके। हिज मदर मेड हिम अ लिटिल बोट आउट ऑफ अ सूप बाउल, उसकी मम्मी ने उसके लिए एक छोटी सी बोट बनाई आउट ऑफ अ सूप बाउल, और उसे सूप बाउल दिया। ईशान बोशी हैप्पीली सेल्ड द सिटी। सूप बॉल जानते हैं आप लोग क्या होता है, जैसे कटोरे जैसा होता है, उसे क्या करने के लिए हो जाएगा, उसको कुछ काम चाहिए तो वह उसको क्या करने के लिए जाएगा, उसको ले जाएगा सिटी में। ईशान बोशी हैप्पीली सेल्ड टू द सिटी इन दिस लिटिल सूप बॉल, उसे अब वो शहर ले गया। ईशान बोशी जो है हैप्पीली, खुश होकर, सेल टू द सिटी, शहर जाता है, इन हिज लिटिल सूप बॉल, अपने उस छोटे से सूप बॉल को लेके बेचने के लिए। On reaching the town, कस्बे में पहुँचने पर, he came to the largest and the most beautiful house. वह आता है the largest and most beautiful house, एक बहुत बड़े और सुंदर घर के पास। The house of Sanjo, वह किसी सांजो नाम के व्यक्ति का घर था। I have heard such wonderful stories about its master, Lord Sanjo. जो इस घर का मालिक था, उसका नाम था लॉर्ड सैंजो, उसके बारे में उसने बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी, मतलब उनके बारे में उसे कुछ पता था कि वह बहुत, सबसे पहले ही आप लोग देख रहे हैं उसका घर बहुत बड़ा था, बहुत ब्यूटीफुल था। तो ईशान बोशी टैप्ड ऑन द गेट, जब वह गेट पर पहुँचा तो क्या किया, ईशान बोशी टैप्ड ऑन द गेट, गेट पर टैप किया मीन्स रिंग बजाई या फिर बुलाया, जैसे भी हम लोग नॉक करके बुलाते हैं या फिर रिंग बेल बजाते हैं। द मास्टर ऑफ द हाउस केम आउट, और इस घर का जो मालिक था वो क्या हुआ, हाउस केम आउट, घर से बाहर आया। बट ही कुड सी नो वन, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया, क्यों, क्योंकि वह बहुत छोटा था। आई एम
My son, you are smaller than my thumb. What can you do for me? I am Ishan Bosi. Look down. I have come to serve you. जब वो बहुत छोटा था तो उनको दिखाई ही नहीं पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था थंब के बराबर. तो बोल रहा है आई एम ईशान बोसी, मैं ईशान बोसी हूँ. लुक डाउन, नीचे देखिए. आई हैव कम टू सर्व यू, मैं आपके सेवा, मैं आपके लिए कुछ करने आया हूँ, आपको सेवा देने आया हूँ, वो बोल रहा है. फिर क्या बोलते हैं जो लॉर्ड हैं सेंजो, वो क्या कहते हैं, माई सन, मेरे बेटे, मतलब बहुत प्यार से उससे बोल रहे हैं. यू आर स्मॉलर देन माई थंब, तुम मेरे अंगूठे से भी छोटे हो, मीन्स बहुत छोटे हो. वॉट कैन यू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो. जस्ट देन, तभी उसी समय तुरंत, अ फ्लाई केम बजिंग बाई लॉर्ड सेंजोज ईयर, एक मक्खी जो है, बजिंग मतलब भिनभिनाते हुए जो मक्खियों की आवाज़ होती हैं, लॉर्ड सेंजोज ईयर उनके कान पर आके बैठ जाती है. वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करती रहती है. ईशान बोसी ड्रेव हिज स्वॉर्ड एंड ड्रोव द फ्लाई अवे. ईशान बोसी जो है, जो उसको स्वॉर्ड मिला है, जो एक लकड़ी का या फिर उसमें जो नुकीला बना के उसके ग्रैंडफादर ने उसको दिया था उसकी सेफ्टी के लिए या फिर जैसे वो उसको यूज़ कर सके, तो उसी तरह वो जैसे ही मक्खी आके उनके कान पर बैठती है, आप लोग इसमें देख रहे हैं कि वो क्या किया उसने, मक्खी को उससे, ईशान बोसी ड्रिव हिज स्वॉर्ड, अपने स्वॉर्ड को उठाया उसने जो तलवार जैसे बना हुआ है इसमें, एंड ड्रोव द फ्लाई अवे, और उससे जब मक्खी के पास उसको किया तो मक्खी क्या हुई, उड़ के भाग गई. जैसे हम लोग, जैसे मक्खी आके बैठी उसके पास कुछ ले जाते हैं, क्या होता है, वो डर के भाग जाती है. तो क्या हुआ, वो मक्खी भाग गई. द मास्टर वॉज वेरी प्लीज्ड, और वह उनके कान तक क्यों नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि ईशान बोसी बहुत छोटा था. द मास्टर वॉज वेरी प्लीज्ड, जो मालिक थे लॉर्ड सेंजो बहुत खुश हुए. ही नाउ आस्क्ड ईशान बोसी टू लुक आफ्टर हिज ब्यूटीफुल डॉटर प्रिंसेस सेंजो. ही नाउ आस्क्ड, अब उन्होंने कहा ईशान बोसी टू लुक आफ्टर हिज ब्यूटीफुल डॉटर प्रिंसेस सेंजो, अब तुम प्रिंसेस सेंजो, उनकी जो बेटी है सेंजो की, उनकी राजकुमारी जो है, अब तुम मेरी ब्यूटीफुल सुंदर पुत्री की देखभाल करो. उसको अपने यहाँ सर्वे नौकरी पे उन्होंने रख लिया. अब क्या होता है, वन डे, एक दिन, व्हेन द प्रिंसेस वॉज गोइंग टू द टेम्पल, व्हेन, जब द प्रिंसेस, राजकुमारी, वॉज गोइंग टू द टेम्पल, वह मंदिर जा रही थी. एक दिन जब उनकी जो, वो जो राजकुमारी थी सेंजो की, जो डॉटर थी, वह जब मंदिर जा रही थी, अ जायंट ट्राइड टू कैरी हर अवे, एक राक्षस ने उन्हें लेकर भागने की कोशिश की. लीव द प्रिंसेस और इल्स, क्या हुआ, जाए वो जो ईशान बोसी था वो क्या कह रहा है, लीव द प्रिंसेस, उसको छोड़ दो, राजकुमारी को छोड़ दो. तो वो जो जायंट है वो बोल रहा है, यू लिटिल मैन, तुम छोटे आदमी, मतलब छोटे, जो एकदम छोटा सा था ही, तो ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराना चाहते. वो जायंट था, वो बहुत बड़ा था, राक्षस जैसे आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं जो बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे जायंट बना हुआ है ना, ये बहुत बड़ा है और वो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है. तो क्या होता है, लेट मी स्वॉलो यू, अब उसको वो धमकी दे रहा है छोटे से बच्चे को, जायंट राक्षस, कि मैं तुमको खा जाऊँगा. स्वॉलो मीन्स निगल जाना. इंटेलिजेंट ईशान बोसी केप्ट पोकिंग द जायंट विथ हिज लिटिल स्वॉर्ड विच वॉज मेड ऑफ स्वेइंग निडल. इंटेलिजेंट ईशान बोसी केप्ट पोकिंग, पोकिंग मतलब होता है कोचना या फिर धक्का देना ऐसे, और जो उसको स्वॉर्ड मिली थी तलवार जैसे, जो उसके पास उसके ग्रैंडफादर ने उसको दी थी, उसमें क्या हुआ था, आगे सुई जैसे लगा हुआ था. तो उसने क्या किया, इंटेलिजेंट ईशान बोसी केप्ट पोकिंग द जायंट, राक्षस को वह चुभाने लगा. क्यों, उस समय उसका, ईशान बोसी का दिमाग काम कर गया, वह इंटेलिजेंट भी था, तो उसने क्या किया, उनको चुभाने लगा अपने स्वॉर्ड से, अपने तलवार जैसे जो उसमें, जिसमें निडल लगी हुई थी, उसको उसने चुभाना शुरू कर दिया. तो अब क्या हो रहा है, राक्षस को दर्द होने लगा, जायंट को, ओ ओ, जैसे उसको जब चोट लगती है किसी को तो हम लोग आवाज़ निकालते हैं ना, तो वैसे वही बोल रहा है, ओ ओ, आ स्टॉप इट, मतलब बंद करो ये, जो उसको चुभा रहा था वो कह रहा था बंद करो ये. द जायंट स्पैट ईशान बोसी आउट एंड रैन अवे. जायंट राक्षस ने क्या किया, ईशान बोसी से झगड़ा करने लगा, आउट एंड रैन अवे, और वह बाहर भागने लगा. बट ही लेफ्ट हिज मैजिक हैमर बिहाइंड, लेकिन
ही लेफ्ट हिज मैजिक हैमर बिहाइंड. हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, लेकिन ही लेफ्ट हिज मैजिक हैमर, उसने अपना हैमर क्या हथौड़ा, एक जादुई हथौड़ा था, उसको उसने उसके पीछे रख दिया था. बट ही लेफ्ट हिज मैजिक हैमर बिहाइंड, लेकिन उसने अपना जो है हथौड़ा उनके पीछे रख दिया था राजकुमारी का. किसने? ईशान बोसी ने. द प्रिंसेस टुक द हैमर. अब राजकुमारी ने क्या किया, वह हथौड़ा लिया. सी हिट इट ऑन द ग्राउंड, और उसे ग्राउंड पर हिट किया, मारा. एंड समथिंग मैजिकल हैपेंड, और कुछ एकदम मैजिक चमत्कारी सा घटित हुआ. क्या हुआ ईशान? आई एम नॉट टाइनी एनी मोर. अब ये ईशान बोसी बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हूँ. वह बता रहा है शायद वह जब उन्होंने हथौड़े से मारा तो वह बड़ा हो गया, जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं. ईशान बोसी एंड प्रिंसेस सेंजो वेयर सून मैरिड. जल्द ही ईशान बोसी और प्रिंसेस सेंजो की शादी हो गई. एंड ईशान बोसी बिकेम अ वेल नोन समूरे. और ईशान बोसी एक बन गए समूरे. मीन्स होता है जापानी सोल्जर, जापान कंट्री में जो सिपाही होते हैं जिन्हें समूरे के नाम से जाना जाता है. थैंक यू.